स्वागत आपका इस इवेंट से में। आज अपन बात करेंगे दिल्ली और गुजरात के बीच होने वाले आईपीएल के मैच के बारे में। दोस्तों लास्ट मैच जब दोनों टीमों के बीच में हुआ था तो भाई गुजरात की टीम को बुरी तरह से हरा दिया था दिल्ली की टीम ने। लेकिन क्या इस मैच में भी ऐसा होगा? क्या फिर से गुजरात का टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा? सब कुछ वीडियो में बताऊंगा, किस प्रकार से आपको टीम बनाना है, सीवीसी किसे रखना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखो पहले बात करते हैं जो लास्ट मैच हुआ चेन्नई और लखनऊ का। मैंने बोला था देखो कि लखनऊ की टीम के पास ऐसे बॉलर जो स्टार्टिंग में विकेट निकाल सकते हैं, चेन्नई के जो प्लेयर है टॉप ऑर्डर में से इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। और भाई फिर से तीन प्लेयर टॉप ऑर्डर से फ्लॉप हुए, ठीक है। इस मैच में भी देखो चांस है, कौन सी टीम के वो आगे बताऊंगा मैं वीडियो में। यहाँ देखो आप ऋषभ पंत को देखो, शानदार लास्ट गेम में किपिंग से ही ड्रीम टीम का मेंबर बन गया था, रणदीप ने बनाया था। इसके अलावा टेस्ट मैच था फ्रेशर अक्षर पटेल और एस कुमार, ठीक है, मुकेश कुमार, खलील अहमद, ईशांत शर्मा ने शानदार गेंदबाजी की थी। वाइस कैप्टन आया था राशिद खान, जिसने शानदार बैटिंग भी की थी, ठीक है, संदीप वॉरियर और स्पेंसर जोन्स ने, यानी तीन ही प्लेयर आए थे गुजरात की। ऐसी टीम देखो रेयर देखने को मिलती है, ऐसी टीम इस पिच पे बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक, क्योंकि बैटिंग पिच 267 बनाए थे लास्ट गेम में हैदराबाद ने इस वेन्यू पे, तो काफी हाई स्कोरिंग मैच होगा, तो बैटर्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। कौन से बैटर रहेंगे और कौन से बैटर पे चांस लेना है ये भी मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। या देखो पॉइंट टेबल पे देखेंगे दोनों टीमों को, तो भाई जीटी की टीम नंबर 6 पे और दिल्ली की टीम है नंबर 8 पे, तो दोनों ही टीमों के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट ये मुकाबला रहने वाला है, तो दोनों टीमें काफी शिद्दत से इस मैच को खेलने वाले हैं। यहाँ देखो बात करते हैं हाई परसेंट लो परसेंट प्लेयर, तो भाई बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन एकदम से हाई आपको नजर आएगा, जिनमें आपको ऋषभ पंत, गिल, वार्नर, साई सुदर्शन, जेफ फ्रेशर, अक्षर पटेल, राशिद खान, कुलदीप यादव दिखने वाले। इसके अलावा 60 के आसपास जिनका सिलेक्शन है वो खलील, मोहित शर्मा, टेस्ट मैच स्टंप। इसके अलावा ये जो सभी प्लेयर है ये लगभग 30% से बिलो वाले प्लेयर है, इनमें एक आध प्लेयर 35% का है, बाकी सभी का सिलेक्शन कम है। लेकिन क्या गुजरात अगर मैच को निकालती है तो क्या सच में इनके चार ही प्लेयर परफॉर्मेंस करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। काफी प्लेयर है जो इधर लोअर सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर से आएंगे, ठीक है, और काफी ऐसे प्लेयर है जो दिल्ली के जिनको सबने ले रखा है लेकिन वो फ्लॉप होंगे तभी गुजरात जीतेगी, या फिर अगर गुजरात लॉस कर दिए तो हो सकता है इनके टॉप ऑर्डर में से फिर से प्लेयर फ्लॉप हो जाए। वो किस प्रकार से क्या कॉम्बिनेशन बनाना है सब वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ देखो मैच खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, 85 मैच हुए हैं टोटल, 39 बैट फर्स्ट ने जीते, 46 जीते सेकंड ने। चेजिंग थोड़ी आसान रहती है, हालांकि बैट फर्स्ट ने भी काफी अच्छे मैच यहाँ पे निकाले हैं, हालांकि लास्ट मैच में काफी बड़ा स्कोर बोर्ड पे लग गया था, 170 से 180 के बीच में स्कोर बन जाएगा। लास्ट मैच की पिच अगर फिर से रही वो सब मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से आप ज्वाइन जरूर करें, साथ में मेगा जेल के लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन भी आपके साथ शेयर करने वाला। तो भाई 200 रन का स्कोर फिर से यहाँ पे लग सकता है, हाँ, लेकिन हैदराबाद की फॉर्म थोड़ी अलग थी, वो एकदम से बड़े स्कोर की तरफ चले गए, 266 बनाया और लोएस्ट यहाँ पे 66 है। यहाँ देखो जो मैच हुआ था लास्ट टाइम हैदराबाद 266 बनाते हैं, दिल्ली की टीम को 199 रन पे ऑल आउट कर देती है। भाई 8 विकेट पेसर को मिलते हैं और स्पिनर को मिलते हैं 8 विकेट, तो स्पिनर्स को विकेट मिले थे, हालांकि पिटाई स्टार्टिंग में अच्छी खासी कर दी थी उन्होंने, ठीक है। सीएसके 223 बनाती है, दिल्ली की टीम चेज नहीं कर पाती है, 9 विकेट पेसर को और 3 विकेट मिलते हैं स्पिनर को। ये देखो लास्ट सीजन का मैच है, इस सीजन का केवल एक ही मैच हुआ जिसमें बड़ा हाई स्कोरिंग मैच अपन को देखने को मिला है, तो फिर से आप उम्मीद कर सकते हो कि बड़ा स्कोर यहाँ पे बने। पंजाब 167, दिल्ली की टीम चेज नहीं कर पाती है, देखो 2 मैच यहाँ पे फिर से डिफेंड हुए लास्ट के तीनों मैच, 5 विकेट पेसर को मिले, 9 विकेट मिले स्पिनर को। आरसीबी 181 बनाती है, जिसको दिल्ली की टीम चेज कर जाती है, आरसीबी को तो हर कोई चेज कर जाता है, ठीक है, 6 विकेट पेसर को मिलता है, स्पिनर को मिलता है 1 विकेट। हैदराबाद 197 पे दिल्ली की टीम चेज नहीं कर पाती है, 7 विकेट पेसर को, 5 विकेट स्पिनर, तो दिल्ली को आप देखोगे तो एक ही बार चेज किया सभी मैचों में, बैट सेकेंड इनकी आ रही है, तो ये भी एक खास बात है, ठीक है। तो दिल्ली के चांसेस भाई चेज में थोड़े से कम नजर आ रहे हैं अगर गुजरात की टीम फिर से बड़ा स्कोर लगाती है, हालांकि लास्ट टाइम इनके अगेंस्ट काफी जल्दी आउट हुए थे, ठीक है, लेकिन अगर गिल और साई सुदर्शन अच्छा खेलते हैं तो ये टीम बड़ा स्कोर भी बना सकती है गुजरात वाले। यहाँ देखो भाई 4 मैच हुए हैं, 2 बार गुजरात ने हराया दिल्ली को और 2 बार दिल्ली ने हराया, तो बराबर की टक्कर दोनों टीमों के बीच में देखने को मिली है, ठीक है। दिल्ली की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाली है, वार्नर के साथ ओपन करेगा पृथ्वी शॉ, उसके बाद जेफ फ्रेशर, ऋषभ पंत, प्रेस्टन स्टार्क, ललित यादव, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, नॉर्थ ईस्ट, मुकेश कुमार और खलील अहमद आपको नजर आएंगे। इसके अलावा पोरेल देखो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आएंगे और आपको नजर आएंगे टॉप ऑर्डर में नंबर 4 पे। हो सकता है कि पृथ्वी शॉ को लास्ट मैच की तरह इंपैक्ट प्लेयर के रूप में रखें, या पहले इनकी बैटिंग आ गई तो उस कंडीशन में मुकेश कुमार को इंपैक्ट प्लेयर के रूप में रखेंगे, तो इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी टेलीग्राम पे मैं और भी क्लियर कर दूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ टेलीग्राम आप पक्का ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। यहाँ देखो आप वार्नर,
49 52 उसके बाद 18 10 8 1 भाई लास्ट चार मैच एकदम से फ्लॉप है। तो चांस फिर से लिया जा सकता है। एट टू एट के दो मैचों में 39 रन है, एक बार 37 बनाए, एक बार जल्दी आउट हुआ है, तो भाई जल्दी भी निकल सकता है वार्नर फिर से। ठीक है, वेन्यू पे 39 मैचों में 1133 रन, 33 की एवरेज, तो आंकड़े काफी अच्छे है। पृथ्वी शो 43 10 66 32 7 और 16, भाई लास्ट गेम में 4 बाउंड्री मार ली थी लेकिन फिर भी गलती कर गया, अपना विकेट फेंक कर गया। ठीक है, 3 मैच हेड टू हेड के 24 रन, भाई हालत खराब है अगेंस्ट वेन्यू पे। 19 मैचों में 420 रन, 25 की एवरेज, तो वेन्यू पे अच्छे आंकड़े मान सकते हो आप, लेकिन जो इनके अगेंस्ट है वो अभी तक अच्छा स्कोर इसने किया नहीं है। और जल्दी करता है, कई बार चक्कर में विकेट भी इसका जल्दी जाता है, हालांकि ले भी सकते हो आप क्योंकि वो प्लेयर जो पावर प्ले में फास्ट खेलते हैं वो जल्दी पॉइंट भी आपको देंगे। जेफ फ्रेशर, भाई इसका सीजन गजब जा रहा है, 41 10 41 के बाद 55 20 और 65, 3 ही मैच खेले आईपीएल, काफी शानदार पारी थी। लास्ट गेम में तो 18 गेंदों में 65 बना दिए थे। अगर और प्लेयर चलते तो ये हो सकता है बड़े स्कोर को भी चेंज कर जाते। हेड टू हेड में 1 मैच में 20 है, वेन्यू पे 1 मैच में 65 रन है। पोरेल 9 0 41 का बैटिंग नहीं आई, 15 और 42, भाई पोरेल की भी छोटी छोटी पारी आ रही है लेकिन बहुत इंपैक्टफुल पारी पोरेल की आ रही है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। पोरेल अच्छा ट्रंप पिक आपके लिए जीएल के लिए बन सकता है। 2 मैचों में 35 रन है, वेन्यू पे 3 मैचों में 63 रन है, 42 हाइएस्ट है। ऋषभ पंत की बात करते हैं, 51 55 1 41 16 नॉट आउट और 44, हेड टू 2 मैचों में 59 है, 43 हाइएस्ट के हैं। तो ऋषभ पंत अच्छे फॉर्म में, वेन्यू पे 28 मैचों में 869 रन, 33 की एवरेज है, तो ऋषभ पंत काफी इंपोर्टेंट पिक आपके लिए इस गेम में बन सकता है। बाकी बात करते हैं टेस्ट एंड स्टब की, 44 0 54 71 15 लास्ट टाइम इनके अगेंस्ट 2 विकेट निकाला था और लास्ट मैच में 10 रन बनाया था। हेड टू हेड में 1 मैच में 2 विकेट है, वेन्यू पे 10 है, तो ललित यादव इस मैच में इनके पास राइट आर्म ब्रेक बॉलर है, तो टेस्ट एंड स्टब के पास शायद हो सकता है ना जाए। ठीक है भाई, ललित यादव को देखो आप, 67+0 25+1 3+0 7+0 जाओ तो ट्राई कर लेना भाई, चांसेस कम है इसके चलने के। 1 मैच में 25 है, वेन्यू पे 2 मैचों में 19 रन 2 विकेट है। अक्षर पटेल 0 8+2 विकेट 0 1 विकेट, शेरन 1 विकेट, अक्षर पटेल अच्छा चल रहा है। ठीक है, हालांकि कुछ मैचों में विकेटलेस भी रहा है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। हेड टू हेड के 4 मैचों में 71 रन 1 विकेट, 36 हाइएस्ट है, वेन्यू पे 20 मैचों में 363 रन 16 विकेट, 37 की एवरेज, भाई बॉल फर्स्ट में आज खाली जा सकता है आपका अक्षर पटेल फिर से। क्यों? क्योंकि अगर साई सुदर्शन खेलता रहा एक साइड से तो स्पिन को काफी अच्छे से खेलता है। ठीक है, ज्यादातर स्ट्राइक उसी के पास रहेगी तो चांसेस कम हो जाएंगे अक्षर पटेल के विकेट निकालने की, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मिडिल ऑर्डर में फिर आपको नजर आएगा राहुल तेवतिया, डेविड मिलर, वो भी एक अच्छे बैट्समैन है लेफ्टी बैट। यहाँ देखो आप नॉर्थ जेको, 1 विकेट 0 3 विकेट 2 विकेट, फिर से विकेट लेस, भाई 2 मैचों में 3 विकेट है, वेन्यू पे 7 मैचों में 6 विकेट है, लेकिन पिटाई बहुत अच्छी खासी हो रही है नॉर्थ जे की, लेकिन ट्राई कर सकते हो जीएल के लिए। खलील अहमद को देखो, ट्राई कर सकते हो खलील, 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0, लास्ट गेम में 3 ओवर में 50 रन से ऊपर इसने रन दिए थे। हेड टू हेड के 4 मैचों में 6 विकेट है, वेन्यू पे 8 मैचों में 4 विकेट, तो वेन्यू पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस है नहीं, तो आप चांस ले सकते हो, नॉर्थ जे को अपनी टीम में रख सकते हो। मुकेश कुमार, भाई ओपन डेथ में बॉलिंग करेगा, सॉरी डेथ में करेगा, ओपन में तो कम ही डालता है, 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, हो सकता है फिर से बड़े विकेट मिल जाए। हेड टू हेड के 2 मैचों में 3 है, वेन्यू पे 7 मैचों में 6। कुलदीप यादव इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, कोई भी बैट्समैन हो, लेफ्टी रहो राइटी रहो, ये विकेट निकालने माहिर गेंदबाज है। 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 0 4 विकेट निकाले लास्ट के हैदराबाद के अगेंस्ट भी, जिसमें कि रन बहुत हाई बने थे लेकिन इसकी बॉलिंग अच्छी थी। हेड टू हेड के 4 मैचों में केवल 2 विकेट मिले हैं, वेन्यू पे 12 मैचों में 12 विकेट है। इनमें से कोई खेलेगा तो वो टेलीग्राम पे मैं आपको बता दूंगा, शायद चांस कम होगा, ईशांत शर्मा फिट होता है डायरेक्ट प्लेइंग 11 में आएगा। अब बात करते हैं गुजरात की, तो भाई गिल के साथ ओपन करेगा शाह, उसके बाद आपको नजर आएगा साई सुदर्शन, मिलर, ओमर जाई, राहुल तेवटिया, राशिद खान, नूर अहमद, राज शाही, किशोर, मोहित शर्मा, संदीप वोरियर, भाई ये चेंज करना आप, राइटी बैटर है रिद्धिमान शाह और प्लस विकेट कीपिंग भी ये करने वाला है, काफी इंपोर्टेंट आपके लिए बन सकता है। शाहरुख खान खेलेगा प्लेइंग 11 में, ठीक है, हो सकता है फिर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मोहित शर्मा को बैट फर्स्ट में यूज करेंगे, सेकंड में यूज करेंगे साई सुदर्शन को। यहाँ देखो गिल को देखो आप, 36 89 नॉट आउट 19 72 8 और 35, एक पारी डिपाती है फिर अच्छी पारी खेल जाता है, तो उम्मीद कर सकते हो फिर से आपको एक अच्छी पारी खेलकर दे सकता है। शुभम गिल लास्ट टाइम इनकी टीम की बहुत ही बुरी हालत हुई थी भाई इनके सामने, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और हो सकता है कि शुभम गिल के बैट से आपको बड़ी पारी दिख जाए। जी हाँ दोस्तों, पहले जसवाल ने शतक मारा, फिर गायकवाड ने मारा, अब बारी है भाई गिल की, इसको भी तो वर्ल्ड कप खेलना है, हो सकता है बड़ी पारी खेल सकता है इस मैच में। बाकी देखो इसका तो फॉर्म भी अच्छा है, 89 की बड़ी पारी है, 72 की बड़ी पारी है, तो एक उम्मीद कर सकते हो कि बड़ी पारी आ जाए।
13 मैचों में 380 रन, 31 की एवरेज है, वेन्यू में 3 मैचों में 55 रन है, 37 हाईएस्ट है। ठीक है, शाह की बात करते हैं, 21 25 11 2 13 16 मैच खेले एक्टिवेट के, 272 रन, 20 की एवरेज है, वेन्यू पे भाई पूरी तरह से फ्लॉप है, तो ये बात ध्यान में रखना, शाह पे आप चांस ले सकते हो। साई सुदर्शन की बात करते हैं, 45 33 31 35 12 31 भाई एक ही मैच में 12 खेला, इसके अलावा सभी मैचों में 30 प्लस की पारी इस सीजन, तो भाई एज ए ड्रीम टीम का मेंबर तो बनेगा ही बनेगा, लगभग चांस हो ही रहते हैं इसके, हो सकता है इस मैच में पिच अच्छी है तो बड़ी पारी भी आ जाए, और आंकड़े भी यही बोल रहे हैं भाई, दो मैचों में 74 रन अगेंस्ट 62 की एक हाईएस्ट पारी खेली हुई है, वेन्यू पे 4 मैचों में 151 रन 75 की एवरेज, तो वेन्यू पे भी कमाल के आंकड़े, तो भाई शाही का ध्यान रखना भाई। ठीक है, मिलर 8 12 21 44 2 4 है, मिलर का फॉर्म नजर नहीं आया लास्ट दो गेम से, हालांकि 20 मैचों में 444 रन अगेंस्ट कर चुका है, 37 की एवरेज है, वेन्यू पे 12 मैचों में 257 43 की एवरेज है, ट्राई कर लेना। ओमर जाए 17 2 विकेट 11 प्लस 0 1 विकेट 13 प्लस 0, ओमर जाए आज के मैच में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा। राहुल तेवटिया 23 30 22 10 और 36 लास्ट गेम अच्छा रहा था, टीम को जिताया था, शानदार पारी थी इसकी। एटवेट 7 मैचों में 124 रन 2 विकेट है, वेन्यू में 3 मैचों में 40 रन 2 विकेट है, थोड़ा सा नीचे जरूर आता है, बाकी थोड़े बहुत रन हर बार ही करके जा रहे हैं, अगर बैटिंग नीचे तक नहीं आती तो ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं रहेगा। शाहरुख खान 21 0 13 14 8 प्लस 0 6 मैचों में 39 रन है और 3 मैच वेन्यू पे जिसमें 54 रन, तो आंकड़े बिल्कुल भी अच्छे हैं नहीं। ठीक है, राशिद खान इंपोर्टेंट बन सकता है भाई, 1 विकेट 24 एक विकेट 31 एक विकेट 1 विकेट रन बनाता है। हेड टू हेड 16 मैचों में 57 रन 21 विकेट है, वेन्यू पे 7 मैचों में 10 विकेट है, लास्ट मैच में कुलदीप यादव ने 4 विकेट निकाले थे इसी वेन्यू पे, तो ऐसा नहीं है कि स्पिनर विकेट नहीं निकाल सकता, ये क्वालिटी स्पिनर है, इनके लिए वेन्यू ज्यादा मायने नहीं रखता है, इनकी गेंदबाजी मायने रखती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। शाही किशोर को देखो 29 2 विकेट 1 विकेट एक लास्ट में 4 विकेट निकाल गए, वेन्यू पे 3 मैचों में 4 विकेट, लेकिन हो सकता है 3 स्पिनर्स के साथ गुजरात ना जाकर एक पेस बॉलर को टीम में ले आए, स्पेंसर जॉनसन को खिला सकती है शायद तक। उमेश यादव को देखो आप 0 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 13 मैचों में 14 विकेट है, वेन्यू पे 29 मैचों में 31 विकेट। मोहित शर्मा 3 विकेट 1 विकेट 0 1 विकेट 2 विकेट, हेटवेट 12 मैचों में 14 विकेट है, वेन्यू पे 5 मैचों में 7 विकेट, मोहित शर्मा ने भी निकाले, वही अच्छी स्लो डालता है, वापस को विकेट मिलते हैं। नूर अहमद 2 विकेट सॉरी 1 विकेट 2 विकेट 0 0 उसके बाद 2 विकेट, हेटवेट 2 मैच खेला है जिसमें विकेटलेस रहा है। संदीप वॉरियर 1 विकेट 2 विकेट 0, हेटवेट 2 मैचों में 2 विकेट है, वेन्यू पे 1 ही विकेट है, तो शायद तक वॉरियर और नूर अहमद ये दोनों बार जा सकते हैं, और टीम उमेश यादव और स्पेंसर जॉनसन दोनों के साथ ये मैच खेल सकती है, फिर जोश वाली टीम को ये टीम मौका दे सकती है, इनमें से कोई खेलेगा नहीं। बात करते हैं टीम किस प्रकार से बनानी है, देखो हाई परसेंट प्लेयर खूब नजर आ रहे हैं, ठीक है वो मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया, अब यहाँ मैं बताऊंगा टीम किस प्रकार से लेनी है। देखो अगर गुजरात की टीम पहले फील्डिंग करने आती है तो सीधा सा आपको करना क्या है कि भाई यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक नया बॉलर खेलने वाला है, उसको आपको अपनी टीम में रखना है, इसके अलावा उमर जाय को अपनी टीम में रखना है, या फिर आप इन दो बॉलर नूर और शाही किशोर में से एक बॉलर अपनी टीम में रख सकते हो। लास्ट टाइम भी अक्षर पटेल और कुलदीप यादव अच्छे विकेट निकाले थे दोनों बॉल फेस्ट में, तो हो सकता है राशिद खान और नूर या फिर राशिद खान या आर शाही किशोर अच्छे विकेट निकाल जाए, उधर से उमर जाए मोहित शर्मा आपके लिए अच्छा काम कर जाए बैटिंग में, गिल और साई सुदर्शन। फिर आप चेंज क्या करोगे, देखो चेंज आप ये कर सकते हो कि ऋषभ पंत डेविड वार्नर जेफ फ्रेसर इनमें से आप चाहो तो एक प्लेयर बाकी दो प्लेयर पे भी आसानी से रिस्क आप ले सकते हो। ठीक है, बाकी आप बैटर्स की टीम बनाना चाहते हो तो फिर उस कंडीशन में आप चांस लेना मोहित शर्मा पे और खलील अहमद पे। ठीक है, खलील अहमद का हालांकि सिलेक्शन इतना हाई नहीं है, इन पे आपको चांस लेना है और यहाँ पे आपको लेने फिर बैटर्स, बैटर्स कौन से लेने, बैटर्स में आप पोरेल को यूज करना, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए बैटिंग से बन सकता है, अगर इनमें से प्लेयर फ्लॉप होंगे तो पोरेल और पृथ्वी शो चल सकते हैं। ठीक है, बॉलिंग में बॉल फर्स्ट में नॉर्थ जे और मुकेश कुमार में से आप ट्राई कर सकते हो, अच्छे बॉलर दोनों ही बॉल फर्स्ट के। ठीक है, जीटी की टीम अगर पहले बैटिंग करने आती है तो भाई मिलर और तेवटिया और ओमर जाई इन तीन में से भाई दो प्लेयर आपके लिए काफी इंपोर्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में आप ये कर सकते हो, केवल एक बॉलर भी रख सकते हो और डेली का ऐसी भी सिचुएशन मैच में बन सकती है, क्योंकि अगर एक एक विकेट बटेगा तो कई बार 25-30 पॉइंट में प्लेयर ड्रीम टीम का मेंबर नहीं बनता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखो बताता हूँ किस प्रकार से टीम बनानी है, यहाँ देखो मैंने ऋषभ पंत और पोरेल को लिया है, गिल मिलर वार्नर साई सुदर्शन ट्रस्टन स्टर्प को लिया है, राहुल तेवड़िया को लिया है, राशिद खान कुलदीप यादव मोहित शर्मा, भाई मैंने एक ही बॉलर लिया है डेली का। ठीक है, आप चाहो तो फिर क्या कर सकते हो, मोहित शर्मा की जगह इनका एक पेस बॉलर रख लेना। ऋषभ पंत पोरेल को फिर से रखा है, गिल साई सुदर्शन या मैंने पृथ्वी शो को लिया, वार्नर को नहीं लिया, जे फ्रेसर को लिया, ट्रस्टन स्टर्प को ड्रॉप कर दिया है, या उमर जाए मोहित शर्मा राशिद खान कुलदीप यादव और मुकेश कुमार को लिया। देखो अब नया बॉलर खेलेगा
गुजरात के लिए एक बॉलर खेल सकता है नया, ठीक है, क्योंकि ये तीन स्पिनर के साथ मेरे ख्याल से नहीं जाने वाले। बाकी आप चाहो तो ये कर सकते हो कि एक बैटर कम करके दिल्ली का यहाँ पे नूर अहमद या आर साई किशोर को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भाई गिल और साई सुदर्शन इस मैच में काफी अच्छे पिक रहेंगे कैप्टनसी के, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इनकी तरफ से भी बात करें तो इनकी तरफ से भाई वार्नर को ट्राई कर लेना, बाकी जो और प्लेयर है वो बड़ी पारी थोड़ी कम खेलते हैं, बाकी जेफ फ्रेशर थोड़ा अच्छे फॉर्म में तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। बाकी वीसी आप ऋषभ पंत को ट्राई कर सकते हो, ट्रेंट स्टब को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो बैटर्स में से ज्यादा चांस रहेंगे भाई बॉलिंग में, आप देख रहे हो तो भाई कुलदीप यादव एक ऐसा गेंदबाज जो कभी परेशान कर सकता है, तो वीसी इसको ट्राई कर सकते हो, राशिद खान, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद।